दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। ये हम माइक लेकर आए हैं। आज मैं सुबह सोच के आया कि मैं साइलेंट व्लॉगिंग करूंगा और आज ये लाया ये। तो अभी हुआ ऐसा कि माइक तो सेटअप कर दिया मैंने, उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना। वीडियो ऑन थी, मैंने रखी हुई थी यहाँ पे ऑन करके, स्टिल सारा मज़ा ख़राब हो गया यार। तो ये वीडियो दोबारा से बंद हो उससे पहले मैं, पर चलो आज हम करने क्या वाले हैं मैं आपको बता दूँ। आज हम करने वाले हैं अ स्मॉल कोरियोग्राफी। आज मैं एक छोटी सी कोरियोग्राफी आपको सिखाने वाला हूँ। द सॉन्ग नेम इज़ क्यों फ्रॉम मूवी बर्फी। मैं कोई इसके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो फॉर्मल सा हो जाता और मज़ा नहीं आता सीखने में। अभी ऐसे बात करते करते और व्लॉग करते करते हम इस सॉन्ग को सीखेंगे। तो फर्स्ट इस सॉन्ग को सीखने से पहले आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें ये हैं कि जैसे कि आप अभी सुबह सुबह उठे हो एंड देन आफ्टर दैट आप अपने वॉशरूम में पहुँचे हो और आपने ब्रश करना स्टार्ट किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज़ आपने ब्रश तो कर लिया, अब आपको टैप ऑन करना है फोर काउंट्स में, 1 2 3 4। नाउ थर्ड स्टेप, पानी लो मुंह धो, पानी लो मुंह धो। और ये सभी स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो अपने मिरर के आगे। ब्रश कर लिया, टैप ऑन किया एंड मुंह भी धो लिया, उसके बाद हमारा सॉन्ग शुरू होता है, लिरिक्स स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो लिरिक्स आते हैं वो है क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे। एक चीज़ और, जब भी हम कोई सॉन्ग परफॉर्म करते हैं ना उससे पहले ज़रूरी है आपको उस सॉन्ग को अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। मेरा डांस करने का तरीका यही है, उस सॉन्ग को ना एक मूवी बना दो, उस मूवी के किरदार आप हो, आपको सारे कैरेक्टर्स निभाने हैं। तो कुछ ऐसे ही मैं परफॉर्म करता हूँ और कुछ ऐसे ही आप परफॉर्म करो, अच्छा लगेगा आपको। हमने ब्रश कर लिया, टैप ऑन किया, मुंह भी धो लिया, उसके बाद हमने लिरिक्स भी स्टार्ट कर लिए थे, क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, लाइक दिस। चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे चल, ठीक है, ऐसे आपको फील करना इस चीज को, चल। देन राउंड, भटक लेना बाबरे। बर्फी मूवी में जितना उसका मासूम कैरेक्टर है ना वैसा ही कैरेक्टर आपको इस सॉन्ग में निभाना है। लेना बाबरे यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यों ना हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे चल, भटक लेना बाबरे। अब यहाँ से ना सॉन्ग का ग्राफ एकदम ऊपर जाता है,
तो आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो भी उसके साथ ही चलना चाहिए। अब मैं यहाँ से एक जोश के साथ उठूँगा, ठीक है, लाइक इन है ना, एक जोश होना चाहिए आप में, क्योंकि सॉन्ग का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपके डांस का ग्राफ भी ऊपर जाना चाहिए, आपके एक्टिंग का भी ग्राफ ऊपर जाना चाहिए साथ साथ में। हम यहाँ पर थे, हम आगे करेंगे इन टिम टिमाती 4 times, ठीक है, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, टिम टिमाती निगाहों में, 6, 7 को इन टिम टिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, लुके हुए छुपे हुए क्या तेरा हाल बावरे, लुके हुए, तो हमने एक तारा तोड़ा लाइक दिस, छुपे हुए हमने एक्ट किया, हमने तारा पकड़ लिया है, सामने वाले को दिखाना भी है, पर इसमें कुछ भी नहीं है, वो छोटे बच्चों वाली थिंग होती है ना एक, ये मैं स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, हमने आज सीखा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबरे, क्यों ना हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाबरे, इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, लुके हुए छुपे हुए क्या तेरा हाल बाबरे। तो इस वीडियो में मैं इस सॉन्ग को इतना ही रख रहा हूँ, अगर आपको इससे आगे सीखना है वो रिस्पांस पे डिपेंड करता है, अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा वीडियो का तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि आई फील कि मैं आपको वही दूँ जो आपको चाहिए। अभी काफ़ी लोगों ने कहा ट्यूटोरियल बनाने को, इसका तो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, पूरा टाइम जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेरे को बस यही टेंशन थी कि बस ये रिकॉर्ड हो रहा हूँ, तो ठीक है मैंने सिखा दिया है मेरे को जो सिखाना था। नाउ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि सॉन्ग को सुनना है अच्छे से, और इतना सॉन्ग को सुनो कि वो आपके अंदर उतर जाए, ताकि आप उसको एकदम पूरा फील करके परफॉर्म कर पाओ, एक्ट कर पाओ, है ना, पोर्ट्रे कर पाओ, इमेजिन कर पाओ, और फिर उसके बाद हमारे स्टेप्स आते हैं, और स्टेप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, आपके एक्सप्रेशंस, तो वर्क ऑन इट। मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक मैं थोड़ा और काम कर लेता हूँ।